Yes, very good afternoon to all my intermediate as well as the CA final students. Hope you are doing well. In this particular video, I am giving to you a breaking news with respect to the new updates. तो मैं breaking news, new updates के साथ दे रहा हूँ ICI May 24 exams के लिए आपके लिए क्या तोहफा कर रही है. तोहफा मतलब क्या तोहफा दे रही है आपको. ठीक है, प्लीज इस वीडियो को इतना लाइक करो ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी ये वीडियो पहुंचे और वो अवेयर हों इस न्यूज के रिस्पेक्ट में, क्योंकि मई 24 एग्जाम से आईसीआई आपके लिए एक नई चीज कर रही है. देखो अभी तक क्या हो रहा था वो मैं बता देता हूं. अभी तक आईसीआई अपने जो एग्जाम्स ले रही थी नवम्बर 23 में, वो अपना जो एमसीक्यू का पैटर्न है, 30 मार्क्स का जो एमसीक्यू का पोर्शन है, वो किस तरह से ले रही थी, वो केस स्टडी बेस पे जो पूरा का पूरा केस स्टडी होता था ना, वो ऑफ कोर्स को कॉपी पेस्ट करते थे. ठीक है, मैं आपको फ्रेंकली बता रहा हूँ, कॉपी पेस्ट करते थे केस स्टडी, और केस स्टडी के बेस पे जो एमसीक्यूज होते थे वो भी कॉपी पेस्ट होते थे. राइट है, वो बाहर से इन्होंने आउटसोर्स करते थे और उसके हिसाब से ये कॉपी पेस्ट करके अपनी केस स्टडीज को और एमसीक्यूज आपसे पूछ लेते थे. लेकिन अभी मई 24 एग्जामिनेशन, क्योंकि न्यू कोर्स लग चुका है, अब आईसीएआई खुद से डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो आपके होते हैं, जो अभी अभी आईसीए अपना स्टडी मटेरियल इश्यू करेगा, कई स्टूडेंट्स को स्टडी मटेरियल नहीं मिला होगा, कूपन कोड उन्होंने अप्लाई कर रखा होगा तो अभी नहीं मिला होगा, तो वेट करिए. राइट, वेट एंड वॉच, इन ट्रांजिट होगा, हो जाएगा वो. लेकिन जो आईसीए क्या कर रहा है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जितने भी आपके स्टडी मटेरियल्स में हैं, राइट, जो भी स्टडी मटेरियल्स में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है आईसीए, उस डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन से आपके क्या बनाई गई आईसीए एमसीक्यू बनाने वाली है इस बार मई 24 में. तो बेटा आपको करना क्या है, देखो मैं आपको बता दूं, अगर आपको एमसीक्यू में फुल फ्लेज आपको मार्क्स चाहिए, आपको फुल मार्क्स चाहिए अगर एमसीक्यू में, तो बेटा आपको जो स्टडी मटेरियल के जितने भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है ना, उनको लगा करके खुद से सॉल्व करना, मतलब खुद प्रैक्टिस करना उसकी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की. अगर आपने वो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन खुद सॉल्व कर लिए तो भैया ये बाय डिफॉल्ट आप उसके एमसीक्यू को भी सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि ऐसे ही अब केस स्टडीज जो कॉपी पेस्ट पहले की जाती थी उसके बेसिस पे जो एमसीक्यूज बनाए जाते थे, अब वो आईसीआई नहीं कर रही है. आईसीआई खुद डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन से क्या बनवा रही है बेटा, एमसीक्यू बनवा रही है. और आपको क्या करना होगा, आपको वही चीज करनी होगी जो मैं आपको बता रहा हूँ फिलहाल. तो क्या करना है आपको, जब भी आपका स्टडी मटेरियल, न्यू स्टडी मटेरियल आ जाए, आपको हर एक सब्जेक्ट के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस करने हैं, पेपर पे खुद लिखने हैं. ठीक है, इसको, और अगर आपने डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन कर लिए तो आपको अलग से कोई सेपरेटली एमसीक्यू की प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ेगी. तो इंटरमीडिएट एंड द फाइनल स्टूडेंट्स, मैं आपको वार्न कर रहा हूँ, छोटी से छोटी अपडेट्स और बड़ी से बड़ी अपडेट आपको इस YouTube चैनल पर मिलती रहेगी. इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करना शेयर करना मत भूलिएगा, और लाइक इतना करो कि ताकि जित दूसरे स्टूडेंट जो मई 24 के एग्जाम देने जा रहे हैं वो भी अवेयर हो जाएं इस चीज से. राइट है, तो सबसे पहले तो भैया सब्सक्राइब कर लो चैनल और बेल आइकन प्रेस कर लो. और अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम चैनल और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया, प्लीज जाकर के ज्वाइन कर लो. और प्रैक्टिकल मास्टरी कोर्स तो आपका हमेशा चलता रहता है, आपको अगर ज्वाइन करना है तो वो भी कर सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू.